यदि आपके पास भी HP LaserJet 1005 प्रिंटर है और उस प्रिंटर से आप किसी भी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर आयुष्मान कार्ड को फोटोकॉपी करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। जी हाँ गाइस, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे HP LaserJet 1005 प्रिंटर के पावर केबल को लगाकर ऑन करना, फोटोकॉपी करना। तो चले गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है HP LaserJet 1005 प्रिंटर। तो गाइस, यहाँ पर मैंने आप लोग को बतलाने के पर्पज से ही पावर केबल निकाल लिया है। तो चलिए इस पावर केबल को प्रिंटर से लगाते हैं। इसके लिए मैं प्रिंटर को पीछे की तरफ घुमा लेता हूँ और यहाँ पर इसका पावर केबल लगा लेना है। इस प्रकार से पावर केबल लगा लेने के बाद इसको भी यहाँ लगा लेते हैं एक्सटेंशन बोर्ड से। उसके बाद इसका स्विच हम लोग कर लेते हैं ऑन। यहाँ से स्विच ऑन कर लेने के बाद अभी हमारे इस प्रिंटर पर लाइट अभी नहीं आया है। और ये देखिए, यहाँ पर जो पावर बटन है, इस पावर बटन को आप ऐसे प्रेस करेंगे तब आप प्रिंटर की आवाज़ सुन सकते हैं। प्रिंटर पर लाइट आ चुका है, स्टार्ट हो रहा है। पावर बटन ऑन हो जाने के बाद प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए रेडी होने में कुछ समय लगता है, कुछ सेकंड आप वेट करेंगे। उसके बाद आप डिस्प्ले पर देखेंगे, यहाँ पर रेडी लिखा हुआ आ जाता है। जैसे रेडी लिखा हुआ डिस्प्ले पर आ जाता है, मतलब समझ जाइए कि आपका प्रिंटर प्रिंट करने के लिए तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले जिस भी आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में रख लेंगे। उसके बाद ये जो एक्सटर्नल कवर है इसको आप इस प्रकार से ऊपर करेंगे। उसके बाद इस ग्लास के ऊपर आपको इस डॉक्यूमेंट को इस प्रकार से रख देना है। रख देने के बाद कवर को आप बंद करेंगे। उसके बाद ये जो स्टार्ट कॉपी लिखा है प्रिंटर पर, इस बटन को आप प्रेस करेंगे। जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे एक कॉपी आपके प्रिंटर से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखेंगे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिंट हो चुका है। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लेने के बाद अब बारी है आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कोई अन्य लाइसेंस कार्ड, आपके पास जो भी कार्ड है उसको कैसे प्रिंट करते हैं। आप ये सेम स्टेप को फॉलो करके आप प्रिंट करना सीख सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पर एक आयुष्मान कार्ड है, इसको आपको प्रिंटर की इस ग्लास पर इस प्रकार से रखना है। देख लीजिए, जो फ्रंट है उसको हमें इस प्रकार से रखना है। रख देने के बाद कवर को बंद कर लेंगे, स्टार्ट कॉपी पे क्लिक करेंगे और जैसे स्टार्ट कॉपी पे क्लिक करते हैं तो फोटो कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है। अभी देखेंगे आयुष्मान कार्ड का एक साइड ही प्रिंट हुआ है। अब दूसरे साइड, मतलब पीछे साइड को प्रिंट करने के लिए हमको पेपर को इसी प्रकार से डाल देना है। तो आप गौर से देखिएगा, पेपर को आपको इस प्रकार से ही डालना है। पेपर को ट्रे पर डाल देने के बाद यहाँ पर फिर से आ जाइए। यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट होगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी होगा, उसको आपको इस तरह से बस पलट लेना है। इस प्रकार से पलटेंगे और उस साइड उसको रख देंगे और फिर से कवर को बंद करेंगे और यहाँ से स्टार्ट कॉपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट कॉपी पे क्लिक करते हैं देखेंगे दूसरे साइड प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आयुष्मान कार्ड है वो दोनों साइड अच्छे तरीके से प्रिंट हो चुका है। तो इस प्रकार आप भी किसी भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड या लाइसेंस कार्ड को इसी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप HP प्रिंटर को स्टार्ट करना और उस प्रिंटर से फोटोकॉपी करना सीख गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।